हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉन्ग स्कर्ट बनाने के लिए ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो स्कर्ट बनाने के लिए हमें इन दो मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक है फुल लेंथ और दूसरा है हिप राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े को मैं इस तरह से ओपन कर लूँगी। यहाँ ओपन साइड से हम बेल्ट निकाल लेंगे। इसके लिए मैं इसे डबल फोल्ड कर दूंगी। अभी हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट के लिए हमें बेल्ट लेंथ के लिए सीट राउंड प्लस उसमें लूजिंग ऐड करना है। तो मेरा सीट राउंड है 36 प्लस उसमें 5 इंच लूजिंग, तो हो जाता है 41। तो यहाँ पे हमें 41 लेना है। तो ये मेरा डबल कपड़ा है, तो मैं इसे यहाँ पर 20.5 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। तो मेरा 41 का बेल्ट निकल आएगा इसमें से। अभी बेल्ट की चौड़ाई, बेल्ट हमें बनाना है 2 इंच का, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर दूंगी। इस तरह से सब जगह पे 4-4 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से सब जगह पे 4-4 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने। अभी मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से बेल्ट कट कर लेना है। ये मैंने बेल्ट कट कर लिया है। अभी हमें स्कर्ट का लेंथ लेना है। तो स्कर्ट का लेंथ लेना है हमें, स्कर्ट लेंथ माइनस बेल्ट लेंथ प्लस सीम अलाउंस। तो मेरा स्कर्ट लेंथ है 37 माइनस 2 इंच बेल्ट लेंथ प्लस 2 इंच सीम अलाउंस। तो मुझे 37 ही यहाँ पे लेना है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। क्योंकि हम ऊपर से बेल्ट के लिए निकालते हैं, तो हमें नीचे भी मार्जिन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एज़ मैं जितना है उतना ही ले रही हूँ यहाँ पर 37 इंच। इस तरह से पूरे में 37-37 मार्क कर लेना है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। लेंथ 37 है मेरे स्कर्ट की, तो चौड़ाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 44 इंच लिया है। ये देखिए, ये मेरा कटिंग हो गया है। ये दो पार्ट है मेरे, और ये बेल्ट को मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बड़े नंबर की सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि मैं यहाँ पे गैदर्स बना सकूँगी। इस तरह से बड़े नंबर की सिलाई लगा देना है गैदर्स बनाने के लिए। ये देखिए, एक पार्ट पे मैंने इस तरह से बड़े नंबर की सिलाई लगा दी है। अभी इसमें से एक धागा खींच के यहाँ पे इस तरह से गैदर्स बना लेने हैं। ये देखिए, पूरे में गैदर्स बना लिया है मैंने। अभी इसे यहाँ पे इस तरह से बेल्ट पे रखना है। हमें बेल्ट को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है, दोनों सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों में बेल्ट अटैच कर लिया है। अभी हमें एक पार्ट को इस तरह से उठा के दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमें सीधी साइड अंदर रखनी है, और यहाँ पे साइड से 1/2 इंच की डिस्टेंस से सिलाई लगा देनी है नीचे तक। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा के बेल्ट अटैच कर लिया है यहाँ पे। अभी हमें बेल्ट को थोड़ा सा स्मॉल फोल्ड करना है, उसके बाद एक और फोल्ड कर लेना है इस तरह से। जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही हमें इस तरह से लगाना है, और पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा है जिसमें से हम इलास्टिक पास करेंगे। ये मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक के लिए हमें वेस्ट जितना है उससे 4 या 5 इंच कम कर लेना है।
तो यहाँ पे मेरा वेस्ट है 30, तो मैंने यहाँ पे 25 इंच का इलास्टिक कट कर लिया है। अब ये एक सेफ्टी पिन के हेल्प से हम इसे अंदर पास कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसे इलास्टिक को अंदर डाल दूंगी। ये देखिए इलास्टिक मैंने पास कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसे वापस पैक कर लेना है सिलाई लगा के। ये देखिए ये मैंने इलास्टिक लगा दी है इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे इसे स्ट्रेच करके यहाँ पे बीच में भी सिलाई लगा देनी है, जिससे कि वो इधर उधर ना हिले। और बॉटम में हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।